नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। दीपावली खत्म हो चुकी है और अब छठ की तैयारियां जोर शोर से बिहार में शुरू हो गई हैं। जी हाँ, छठ पर्व की तैयारियां, और इसके साथ ही लोगों का भारी संख्या में बिहार आना भी शुरू हो गया है। ट्रेनें भर गई हैं, तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं बिहार, क्योंकि बिहार में बिहार का महापर्व छठ होने जा रहा है। और छठ के मौके पर लाखों की संख्या में लोग अपने घर पहुंचते हैं घर पर पर्व मनाने के लिए। तो ऐसे में हम आपको दिखा रहे हैं पटना जंक्शन की तस्वीरें, जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लगातार जो ट्रेनें आ रही हैं, दूर दराज से ट्रेनें, चाहे दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई या फिर तमाम जगहों से जो ट्रेनें आ रही हैं, वहां से लोग लगातार पहुंच रहे हैं बिहार। और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं पटना जंक्शन के। दरअसल पटना जंक्शन पर पहुंचने वालों की संख्या काफी है, तादाद काफी है, लेकिन कोरोना का जांच जो है उस तादाद में नहीं हो पा रहा है। दरअसल आपको ये दिखा रहे हैं, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। यात्री जो लगातार पहुंच रहे हैं बिहार, कोरोना संकट अभी भी जारी है। इस बीच जो जांच की व्यवस्था की गई है पटना जंक्शन पर, उसका जायजा हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने यहाँ का जायजा लिया है। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या हालात है। दीपावली खत्म हो चुका है और लोग, हजारों लोग बिहार आए हैं, पटना आए हैं। अब छठ में लोगों का आना शुरू हो गया है। पटना जंक्शन पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक टीम यहाँ लगाई गई है कोरोना जांच के लिए, एक टीम वहाँ लगाई गई है। दो सेंटर है, लेकिन सवाल है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, क्या दो टीम यहाँ? स्वाभाविक बात है कि दो टीम से इतने बड़े पटना जंक्शन पर जहाँ हजारों लोग आते हैं, क्या पूरी तरह से सही से जांच हो पाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल यहाँ कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है, दो पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पर ट्रेनिंग किया गया है। और फिलहाल करने के बाद यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ कितना एक दिन में जाँच हो पा रहा है। पूरे दिन मिला के लगभग 700 से 800 जाँच होती है इस सेंटर पर। दो शिफ्ट में चलता है, रात में भी चलती है। एक शिफ्ट में लगभग 300 के अप्रॉक्स जांच होती है। हाँ, पॉजिटिव तो अभी दो दिन से हम लोग कर रहे हैं, दो दिन से पॉजिटिव नहीं आया है, नहीं आया। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिव रेट जो है, इनका कहना है कि अभी लोग, बहुत राहत वाली बात है बिहार के लिए कि पॉजिटिव रेट, लोग पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। और लगातार 300 इस सेंटर पर, 350 और दो शिफ्ट में होता है, तो लगभग एक दिन में 700 लोगों का जांच हो रहा है। यहाँ देखिए, लोगों को लाया जा रहा है, लोगों को जांच कराया जा रहा है। हालांकि ये बहुत मानसिक तौर पर ये बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि जांच की व्यवस्था कम से कम एक दो सेंटर है। तो इतने बड़ी पटना जंक्शन पर अगर दो सेंटर है, तो इस सेंटर को कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल कह सकते हैं कोरोना जाँच को लेकर के पटना जंक्शन पर व्यवस्था तो विशेष की गई है, लेकिन जो दो दो कह सकते हैं सेंटर बनाए गए हैं, उस सेंटर के अलावा इतने बड़े पटना जंक्शन पर शायद दो सेंटर से जांच करवा पाना बहुत हद तक कह सकते हैं कि सही जिला प्रशासन सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जांच केंद्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी सुनील के साथ मुर्गबालम का सिलसिला पटना। तो देख लिया आपने कि क्या हालात है पटना जंक्शन पर, किस तरह से जाँच हो रही है। दरअसल एक दिन में एक सेंटर में 700 जांच की जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और राहत की बात है कि पिछले दो दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव यात्री नहीं मिला है। तो बिहार लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव यात्री नहीं मिला है, ये राहत की बात है। लेकिन इतना बड़ा पटना जंक्शन जहां हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, वहां पर महज दो सेंटर बनाए गए हैं जांच के लिए, जिससे अगर कहा जाए कि पूरी तरह से सभी का जांच हो पा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में सावधानी जरूरी है। बिहार लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतना जरूरी है। और ऐसे लोगों को सीधे सीधे सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दे रखा है कि सभी की जाँच की जाए, या जो लोग आ रहे हैं बिहार वो जाँच करवा कर आए। लेकिन अगर ऐसे में जाँच में अगर कोताही बरती जाती है, छूटता है कोई मामला, तो निश्चित तौर पर यह खतरनाक हो सकता है, चिंता का विषय हो सकता है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।